So please immediately intimate them to join the class now because it's going to start here. एंड दूसरी बात यह है कि आयशा इकबाल मुझे बताएगा कि लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहा था बेटा, याद है क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, कोई भी बता दो बेटा। स्टार्च, स्टार्च पे क्या पढ़ा था आफाफ, स्टार्च के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी सर? उसकी तीन इम्पोर्टेंस पढ़ी थी जो आपने कल सुनाई। यानी एक मैंने बताया होगा स्टार्च जो है वो कॉम्पैक्ट है, स्टार्च जो है वो इनसॉल्युबल है, और स्टार्च जो है वो क्या है इनर्ट है, यही पढ़ा था। यस सर, यस सर। अच्छा क्या आपको मैंने ये बताया था कि स्टार्च किस चीज से बना हुआ है? स्टार्च मैंने कहा था कि स्टार्च इज अ मिक्सचर एंड इट इज मेड अप ऑफ टू कंपाउंड्स, ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर। बस उनके नाम बताए होंगे आप लोगों को कि जो दो कंपाउंड है उनके क्या नाम है, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा था, तो ठीक है वही से स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन एंड बोथ आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टार्च, बोथ आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टार्च। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। Yes. So let me to share now screen with you. Please focus it and look at here what it says. बेटा स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? Yes, sir. अच्छा जी, तो पहले तो आप इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए कि डायग्राम क्या कह रहा है। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। Look at this. बेटा ये हमारे पास है अल्फा ग्लूकोज और ये है बीटा ग्लूकोज जो आप पिछले क्लास के अंदर पढ़ चुके थे, और आप देख सकते हैं कि अल्फा ग्लूकोज में दोनों OH बिलो द मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस कौन सा होता है? जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 से गुजर रहा होता है। सो दिस इज द मेन एक्सिस एंड OH ऑन कार्बन नंबर 1 एंड OH ऑन कार्बन नंबर 4 बोथ आर बिलो द मेन एक्सिस। इसी तरह अगर आप बीटा के अंदर देखते हैं तो कार्बन नंबर 1 पे जो OH है वो ऊपर है और 4 पे अपनी जगह पे है, हिला नहीं है, इसलिए इनकी पोजीशन डायगोनल होती है, ये मैंने बताया था। यहाँ मैं एक चीज जो आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि रोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का क्या रोल होता है, इंपॉर्टेंट फायदे क्या है। इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि आप बताएं कि मोनोसैकेराइड का क्या फंक्शन हो सकता है। तो बेटा मैं अगर आपके साथ इसको यूं शेयर करूं, अब छुपा दूं आप लोगों से, आप लोग जरा गेस करके मुझे बता सकते हैं कि मोनोसैकेराइड के क्या फंक्शन हो सकते हैं? शाबाश, कौन बताएगा? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड? बेटा पार्टिसिपेट क्या करें? इन रेस्पिरेशन। मरियम इज सेइंग दैट दे आर यूजिंग, बोथ आर यूजिंग रेस्पिरेशन। बेटा ठीक है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा
इलाबोरेट करें, सिर्फ रिस्पायरेशन में अगर यूज होगी तो किसी को ये पता नहीं है कि रिस्पायरेशन में क्या होगा, तो असल बात क्या होगी? अगर ये रिस्पायरेशन में यूज होगी तो फिर क्या फायदा होगा? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. या अब आ गया ना काम वाली बात. अब आप ये कहेंगे कि ऑल मोनोसेकेराइड आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी. एक तो फंक्शन ये होगा क्योंकि दे आर यूज इन मेटाबॉलिज्म, दे आर यूज इन मेटाबॉलिज्म टू गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी, इज इट इट? यस सर. ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड मॉलिक्यूल है. अच्छा, दूसरी बात ये है जो अगला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो ये है कि मोनोसेकेराइड से क्या बनते हैं, आपको पता है ना, पॉलीसेकेराइड बनते हैं. अब अगर फॉर एग्जांपल प्लांट सेल है, वो अपना सेल वॉल बना रहा है, तो सेल वॉल बनाने के लिए उसको जरूरत पड़ेगी किस चीज की? सेल्यूलोस. सेल्यूलोस, वेरी गुड. सेल्यूलोस की जरूरत पड़ेगी. तो जब सेलुलोज की जरूरत पड़ेगी तो सेलुलोज को अगर हम पहले हम सेलुलोज बनाएंगे तो सेलुलोज बनाने के लिए हमें मोनोमर क्या चाहिए होगा? मोनोसेकेराइड चाहिए होगा. तो जब तक मोनोसेकेराइड नहीं होगी तो पॉलीसेकेराइड कैसे बनेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी बॉडी के लिए एक सेल क्या होता है, आप लोग ओलेवल से पढ़ते जा रहे हो, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होता है. हाँ शाबाश, बिल्डिंग ब्लॉक होता है. तो इसी तरह जो मोनोसेकेराइड है ये पॉलीसेकेराइड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है. तो ये दो फंक्शन है दो मार्क के लिए. अभी कभी आपसे सवाल पूछे जाएं कि मोनोसेकेराइड के क्या रोल है या क्या फंक्शन है, तो आप एक इन द सेंस ऑफ एनर्जी और दूसरा इन द सेंस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक यानी डेवलपिंग मॉलिक्यूल. तो मैं आपके साथ इसको जरा शेयर कर लूं. यस, रोल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स. Simple sugars such as glucose are often used in biological organism as source of energy for respiration. इसका मतलब है ये respiration का एक source है. समझ रहे हो बेटा? कोई confusion तो नहीं है? बेटा पूछ रहा हूँ, जवाब तो दिया करो. No sir. अच्छा, so पहला point क्या आया? Simple sugars such as glucose are often used in biological organism as source of energy for respiration. The carbon hydrogen, देखो energy कैसे मिलती है? The carbon hydrogen bonds within them, देखो ना इसमें सारे bond क्या है? Carbon hydrogen bonds है, are easily broken down. दो फायदे हैं, एक तो इनकी bond energy ज्यादा होती है और दूसरा ये आसानी से टूट जाते हैं. तो आसानी से तोड़ना और ज्यादा energy मिलना एक अच्छी ideal molecule बनाते हैं इसको as a energy source. Are easily broken down to release a great deal of energy, which in turn helps to make ATP from ADP and phosphate. यानि हम ये energy provide करते हैं. Secondly, दूसरी बात क्या है? Monosaccharides can be used as building block for larger molecule, यानि polysaccharide. अच्छा, बेटा अब हम आते हैं. आपको बताना कहूंगा कि ये जो आपने पहले जिक्र किया था कि हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं, एक अमाइलोज होता है और एक अमाइलोपेक्टिन होता है स्टार्च में. तो बेटा एक बात बताओ, क्या अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों पॉलीमर हैं या नहीं है? पॉलीमर है ना, दोनों पॉलीमर है. और किस चीज से बने हैं? स्टार्च किस चीज से बनता है? ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स होंगे और वो आपस में कंडेंस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक लंबी चेन बना देंगे, तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं. तो अमाइलोज हो या अमाइलोपेक्टिन हो, दोनों का जो मोनोमर है वो अल्फा ग्लूकोज है. और अल्फा ग्लूकोज के दरमियान, दो अल्फा ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड कैसे बनेगा अभी आपको दिखा देता हूँ, जरा मेरे साथ रहे. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी? अमाइलोज की. लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज. मतलब अभी स्ट्रक्चर आएगा, पहले पढ़ ले. अमाइलोज इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स. अमाइलोज किससे बना है? अल्फा ग्लूकोज से बने हैं.
मेनी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स आर कंडेंस्ड टुगेदर. कंडेंस का मतलब सिंपल मॉलिक्यूल को जोड़ना टुगेदर इन सच अ वे, किस तरह, दैट द ओएच ग्रुप्स ऑन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ टू कंसेक्यूटिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स react to form water and a glycosidic bond is formed between form known as 1,4 alpha glycosidic bond. Kis tarah yun? Sorry. बेटा ये देखो एक डायग्राम आपके सामने भी आएगा, जब आ जाए तो मुझे बता देना क्या आ गया. आ गया, नजर आ रहा है? यस सर. अच्छा, अब सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये कौन सा शुगर है आपके सामने, अल्फा है या बीटा है? ये दोनों, इस सर्कल को इग्नोर कर दो. अल्फा, कैसे पता चला? मेन एक्सिस के नीचे, इसमें OH नीचे है, OH दोनों नीचे हैं. अब जरा गौर से देखो, ये कौन सा कार्बन है जहां मैं कर्सर रख रहा हूं? कार्बन 1. शाबाश. और ये कार्बन 4. कार्बन 4. इन दोनों के जो OH हैं वो बिल्कुल करीब करीब हैं, और ये दोनों आपस में इस तरह रिएक्ट करते हैं कि एक का OH और एक का H जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर. ये देखो वाटर बाहर आ गया, वाटर बाहर आ गया. यहाँ क्या बचा? ऑक्सीजन. ओ, इस ओ ने कार्बन नंबर 1 एक ग्लूकोज का और कार्बन नंबर 4 दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ जोड़ दिया. ये देखो नीचे कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ बोथ कंसेक्यूटिव ग्लूकोज हैव बीन जॉइंड टुगेदर. इस ब्रिज को या इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइको. शाबाश, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब इस तरह अगर आप बहुत सारे 500-600 यूनिट लगा दोगे ग्लूकोज के और इस तरह सब जोड़ेंगे तो एक लंबी चेन बन जाएगी, एक लंबी पॉलीमर बन जाएगा जिसको हम कहते हैं अमाइलोज. तो अमाइलोज के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक. अब इसका पूरा नाम क्या होगा? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, तो क्या लिखेंगे? 1,4. और कौन सा शुगर है, अल्फा या बीटा? अल्फा. अल्फा. सो पूरा नाम क्या होगा? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो बेटा अमाइलोज के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. नहीं ना, वो नाराज हो जाएगा भाई. पूरा नाम बताओ. 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. हाँ बिल्कुल, वो बहुत नाराज हो जाएगा. उसका पूरे इज्जत के साथ उसका नाम लो. तो दैट इज 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और एग्जामिनर भी आपको पेनलाइज कर देगा अगर आपने पूरा नाम नहीं बताया. तो इस नाम को देख के अभी पूरा पता चलता है कि ये बॉन्ड किस मॉलिक्यूल के अंदर होगा? अमाइलोज के अंदर होगा. और एक लंबी चेन बन जाएगी अमाइलोज की. तो बेटा एक बात मैं बताऊं, इस मॉलिक्यूल को अब आप ये मत सोचिएगा कि ये चेन इस तरह बनती जाएगी और सीधी चेन बनेगी. ये चेन सीधी नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे घूमते घूमते एक लूप बनाता है. इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अमाइलोज इज अ स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट नहीं हो सकता ये. ये स्ट्रेट चेन नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेट का वर्ड लगा दिया तो एग्जामिनर आपको पिनलाइज कर देगा. इससे बेहतर ये है कि आप एक वर्ड लगा दें, लीनियर. क्या कहोगे? अमाइलोज इज अ लीनियर मॉलिक्यूल. लीनियर का मतलब होता है वो कर्लअप भी हो सकता है, लेकिन ये है कि वो सीधा स्ट्रेट नहीं हो सकता. तो अब जरा मुझे बताओ, अमाइलोज किस चीज का पॉलीमर है? अल्फा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज. शाबाश, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है. अच्छा, कंडेंसेशन कैसे होगी? कौन सा कार्बन किस वाले कार्बन की OH को जोड़ेगा? C1 का कार्बन 1 कार्बन 4.
शाबाश, कार्बन नंबर वन ऑफ, लेकिन पूरी बात करो, कार्बन नंबर वन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देखो ये पूरा एक मॉलिक्यूल, विद कार्बन नंबर फोर ऑफ द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव, यानी उसके साथ जो दूसरा फॉरन आ रहा है उसके कार्बन नंबर फोर के ओएच के साथ बॉन्ड बनाएंगे, किस तरह कि एक का ओएच और एक का एच वाटर बना देंगे और जो हाइड्रोजन है वो एज आ ब्रिज बना देंगे दोनों के दरमियान, जिसको हम कहेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी तक? नो सर। अच्छा नो सर, ठीक है। अब जरा मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, तो अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास किसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है ये? अमाइलोपेप्टिड। नहीं बेटा ये अमाइलोज है, अमाइलोज है। ये देखो अमाइलोज की ब्रांच नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसे जा रहा है, मेरे कर्सर को देखो, यूं जा रहा है, यूं 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 आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं घूम गया और फिर यूं गया, फिर यूं टर्न ले रहा है, तो ये ऐसे यूं जा रहा होता है घूमते घूमते। और आपने एक ओ लेवल में एक टेस्ट किया था, स्टार्च टेस्ट, सर उसमें जी जी सर ये अमाइलोज होता है या अमाइलेज होता है? बेटा अमाइलेज तो एंजाइम है, अमाइलोज ये कंपाउंड का नाम है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, तो ये अमाइलोज है, अमाइलेज नहीं है। अमाइलेज तो एंजाइम है, अब एंजाइम तो प्रोटीन से बना होता है बेटा, ये हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं सर। तो इसके अंदर अमाइलोपेक्टिन जुड़ेगा तो स्टार्च बनेगा क्या? एग्जैक्टली, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन मिला के स्टार्च बनता है। मैं जब भी तो कह रहा हूँ, देखो अमाइलोज अलग कंपाउंड है, अमाइलोपेक्टिन अलग कंपाउंड है, और दो कंपाउंड को जोड़ने का मतलब होता है इट्स अ मिक्सचर। जब भी तुम कहते हैं कि स्टार्च कंपाउंड नहीं है बल्कि एक मिक्सचर है, उसके अंदर दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, समझ रहे हो सर? तो स्टार्च मैक्रोमोलिक्यूल है या पॉलीमर है? बेटा स्टार्च ना मैक्रोमोलिक्यूल है ना पॉलीमर है, जब वो मॉलिक्यूल ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो मिक्सचर है, बात समझने की कोशिश करो, तो मिक्सर तो कंपाउंड ही नहीं है ना, तो मॉलिक्यूल कहाँ का हुआ? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो काम की चीजें हैं, यानी जो जो आपके पास इसके अंदर पॉलीमर है वो मैक्रोमोलिक्यूल भी है और पॉलीमर भी है, यानी हमारे पास जो अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन है वो दोनों पॉलीमर भी हैं और दोनों मैक्रोमोलिक्यूल भी है, लेकिन दोनों को मिला के हम कहते हैं स्टार्च। स्टार्च जो है ना वो एक फिजिकल नेम है आमतौर पर, जिसको हम कहते हैं कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स है या स्टार्च स्ट्रक्चर है इसका। बेटा समझ रहे हो? यस सर। एक सेकंड मैं चार्जर लगा दूं बेटा, ये बैटरी डाउन हो गई है, बस एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। यस बेटा,
तो अब आप इस डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा, ये कॉइल अप डायग्राम है। लेकिन एक बात बताओ, आपको ये ब्रांच नजर आ रहा है या अनब्रांच है? अनब्रांच है। बस जो कॉमन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखो। अब मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करें। एक पॉइंट तो ये हुआ कि अमाइलोज इज अ पॉलीमर ऑफ हूम, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। शाबाश, अल्फा ग्लूकोज एक तो हो गया, अल्फा ग्लूकोज बिल्कुल ठीक। चले एक तो हो गया ये पॉइंट अमाइलोज, मैं इसको पॉइंट दू। So, amylose is a polymer of alpha glucose. अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या दे देते हैं? It is a linear and unbranched molecule. ठीक हो गया, यानी आप स्ट्रेट नहीं कह सकते। अच्छा, फिर आप तीसरा पॉइंट क्या कहोगे? It is formed by मल्टीपल कंडेंसेशन ऑफ मैनी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स। इट इज फॉर्म बाय मल्टीपल कंडेंसेशन ऑफ मैनी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स टू फॉर्म व्हाट? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तीसरा पॉइंट आ गया। ग्लाइकोसिडिक, इसको ऐड कर लेते हैं ताकि बाद में, ठीक है। सो इट इज फॉर्म बाय मल्टीपल कंडेंसेशन ऑफ मेनी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स टू फॉर्म 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स और विद द रिलीज ऑफ व्हाट? वाटर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल ठीक, सही है। तो ये कॉमन पॉइंट्स, दो तीन पॉइंट्स हम आपने याद रखने हैं। एक तो पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का, दूसरा अनब्रांच और लीनियर मॉलिक्यूल है, तीसरी बात क्या है? इट इज फॉर्म इन मल्टीपल कंडेंसेशन बाय मेनी ग्लूकोज यूनिट्स, फॉर्मिंग कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। अच्छा जी, चले अब हम आते हैं जरा अमाइलोपेक्टिन की तरफ। तो अमाइलोपेक्टिन का मैं पहले आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जरा। जी बेटा, हमें इसका ये वाला स्ट्रक्चर याद करना है या फिर दूसरा वाला? दोनों याद करने हैं बेटा, दोनों याद करने हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी, ठीक है? सही है, फिर आप केमिकल वाला दोबारा दिखा दें। हाँ हाँ बिल्कुल, शोर दिखा देता हूँ बेटा, डोंट वरी, ये आ गया आपके पास। ये तो सिर्फ कंडेंसेशन शो कर रहा हूँ, मैं भी आपको दिखा देता हूँ डायग्राम इसका, माइलोस का। ये देखें, ये डायग्राम देखें प्लीज, एक सेकेंड। बस ये ऊपर वाला भी देखें और नीचे वाला भी देखें, ये देखें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चार मॉलिक्यूल आपको अल्फा ग्लूकोज के नजर आ रहे हैं और इसके अंदर हर एक के अंदर 1,4, 1,4, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और सारे अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स हैं। ये इसका कौन सा डायग्राम है? अमाइलोज का केमिकल स्ट्रक्चर है, जिसको आप चाहे तो और सिंपल कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप ये OH नहीं भी लिखेंगे तो जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बार शो कर सकते हैं इसके। समझ रहे हो बेटा? जी सर, थैंक यू। अच्छा, अब जरा मैं अमाइलोपेक्टिन आपको दिखा दूं कि अमाइलोपेक्टिन कैसे होता है। तो मैं पहले अमाइलोपेक्टिन के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको बता देता हूं, मैं यहां पे बता देता हूं। अमाइलोपेक्टिन, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये भी पहला पॉइंट तो कॉमन हो गया दोनों में, ये भी उसी का पॉलीमर है।
फिर इट इज अ ब्रांचड मॉलिक्यूल, ये ब्रांच मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अच्छा, अब ब्रांच मॉलिक्यूल तो है, इसमें ब्रांच कैसे निकलता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ है प्लीज, ये देखिएगा, ये देखिए कार्बन नंबर टू पे जरा आ जाइएगा बेटा, ये देखिए गौर से, कार्बन नंबर टू कह रहा हूँ ग्लूकोज नंबर टू पे देखिए प्लीज, सब कॉन्सेंट्रेट करें बेटा, कुछ नहीं समझाने जा रहा हूँ। ग्लूकोज नंबर टू को देखें, ये बताओ जहां मैं कर्सर रख रहा हूँ मुझे आप बताते जाए कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? अच्छा, अब इसका मतलब ये सिक्स है, ये सिक्स है। अब इसके ऊपर देखे एक और कार्बन शुगर जा रहा है, इसका ये कौन सा कार्बन है? वन। तो इस वन के ऊपर भी OH था ना, जैसे यहाँ OH है, देखो ना वन के ऊपर OH होती है ना, यहाँ भी OH है और सिक्स के ऊपर भी OH होता है। तो यहाँ इसका एक का OH और एक का H जाके फिर वाटर बना रहे हैं और दोनों के दरमियान एक ब्रांच बन गई, तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पूरा नाम बताओ। 1,4-alpha glycosidic bond because it joins between carbon number 1 and carbon number 6. तो carbon number 1 जो है वो एक chain है पूरी, देखो ऊपर एक और chain है, इस chain के अंदर से दो बनाए हैं, इस इधर अगर आप जाएंगे तो और भी बन सकते हैं, ये पूरी chain, एक chain ऊपर है एक chain नीचे है, फिर दोनों chain को आपस में जोड़ दिया गया है तो एक branch बन गया। तो जो ब्रांच है जहां से ब्रांच निकलेगा वहां 1,6 होगा, बाकी सारे 1,4 होंगे। मुझे बताएं ये इस पे कोई 1,6 है यूं अगर आप जाएंगे? नो नो नो, सारे 1,4। अच्छा अगर यूं जाएंगे तो कोई 1,6 बन सकता है? नो नो, देखो इसके साथ अगर मैं बनाऊंगा तो उसका कार्बन नंबर 4 आ जाएगा, सॉरी ये कार्बन नंबर 4 है और इसके साथ कार्बन नंबर 1 आ जाएगा, फिर इधर कार्बन नंबर 4 फिर कार्बन नंबर 1, तो फिर चेन चलती जाएगी तो 1,4, 1,4, 1,4। लेकिन जहां से ब्रांच निकलती है वहां पर आपको 1,6 शो करना पड़ेगा, जैसे सिर्फ यहाँ पे ब्रांच है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फिर ब्रांच निकालना चाहता हूँ, यहाँ से यानी यहाँ से फिर सीधी ब्रांच निकाल, देखो ये यूं जा रहा है इससे फिर ब्रांच निकलेगी, तो फिर इसका 6 1 के सामने आ जाएगा फिर ब्रांच निकलेगी। तो इसका मतलब है जहां से ब्रांच निकल रहा है वहां पे 1,6 है, बाकी सारे 1,4, 1,4 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस इंफॉर्मेशन को रखते हुए आपको क्या लगता है कि अमाइलोपेक्टिन के अंदर कौन से बॉन्ड्स का रेशियो ज्यादा होगा, 1,4 का या 1,6 का? 1,4 का। 1,4 का। हाँ, उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि 1,4 मेन चेन के अंदर है, तमाम कार्बन के बाद जो बॉन्डिंग है वो 1,4 के अंदर है और 1,6 सिर्फ उस जगह पे है जहां से ब्रांच निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये कह सकते हैं कि अमाइलोपेक्टिन क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, इट इज अ ब्रांच मॉलिक्यूल, और आगे क्या लिखू, It is formed by multiple, ऊपर पॉइंट को देख के मुझे बताएं, मल्टीपल खंडन सेशन ऑफ मैनी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स टू फॉर्म बोथ 1,4 alpha as well as 1,6 as well as 1,6 alpha glycosidic bonds। ये बात समझ आई? By multiple of many alpha with the release of bonds, with the release of वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर सर? लेकिन ये कंपलसरी है कि C1 और C6 ही बने, C2 और C6 भी तो बन सकता है, वो क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, ये कंपलसरी है हमेशा 1,6 के दरमियान, इनकी तरतीब कुछ ही होती है ऐसे ऑप्टिमम, इसके लिए बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होता है, जब तक वो डिस्टेंस अचीव नहीं होता बॉन्ड नहीं बनता, और वो डिस्टेंस सिर्फ 1 और 6 के दरमियान अचीव होता है, सही है? सो ओनली 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। तो अब अच्छा, अभी तक मुझे बताओ दो डिफरेंसेस बता दो अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में, शाबाश जल्दी से। अमाइलोज में
अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है. शाबाश. प्रोपोर्शन इज हायर then sorry ulta keh raha hu sorry 1-4 bonds proportion is higher than 1-6 bonds in alpha sorry in amylopectin because 1-6 bonds One six bonds formed only at the origin of branch, while 1-4 are present in the entire chain of the पॉलीमर्स. बेटा ये बात समझ आ रही है? अच्छा, चलिए अब दो डिफरेंसेस आप लोगों ने मुझे बताएं. अब तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं. मैं जरा पहले आपको यहाँ एक डायग्राम दिखाना चाह रहा था अमाइलोपेक्टिन का. जैसे इसका अपने फिजिकल डायग्राम देखा ना, तो अब अमाइलोपेक्टिन का भी फिजिकल डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरे साथ रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम. ये देखिएगा, नजर आ रहा है? अच्छा, जो जगह मैंने बॉक्स के अंदर बंद की हुई है ना, ये वाला मॉलिक्यूल नजर आ रहा है. देखो यहाँ से ब्रांच निकल रहा है, ये पूरा अमाइलो पेक्टिन है, इतने सारे ब्रांचें निकल रही है इसमें से हर तरफ से. और वो जो था ये नीचे वाला डायग्राम जो नजर आ रहा है, ये अमाइलोज है, ये वाला अमाइलोज है, कोई ब्रांच नहीं है इसमें, और ये अमाइलो पेक्टिन है. अब देखिए इसके अंदर कितने ब्रांच हैं, एक ब्रांच मैंने शो की है यहाँ पे, और वो यहाँ नजर आ रही है जिसमें से एक ब्रांच निकल रही है. बेटा समझ रहे हो ना? यस सर ठीक है. अच्छा जी, अब आपसे मैं कुछ बातें पूछना चाह रहा हूँ, गैस कीजिएगा, जरा मुझे बता दीजिएगा प्लीज. ये बताइएगा कि दो डिफरेंसेस तो हो गए, ठीक है, जैसे कि आपने कहा बिकॉज इट्स इट कैन बी ब्रोकन. अच्छा चलिए इसको बाद में पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको वापस लेके जा रहा हूँ. जी मुस्तफा, वालेकुम सलाम. जी जी बेटा, तो डायग्राम नजर आ रहा है मेरा? अच्छा, अब आप लोगों से मुझे एक सवाल करना है बेटा, जरा मुझे आप लोग प्लीज बताइएगा. यार ये तो गलत डायग्राम मैंने कॉपी किया. ये तो नहीं है. एक और चीज दिखानी थी, कहाँ गया ये? शायद ये है. ठीक है. अच्छा अब बेटा मुझे तीसरा डिफरेंस बताओ. शाबाश, कौन बताएगा जल्दी जल्दी, टाइम खत्म होने वाला है. तीसरा डिफरेंस बताओ, दो तो हो गए, कौन बताएगा, कौन ज्यादा शार्प है? तीसरा डिफरेंस बताओ. चार मार्क का सवाल आता है इस पे, अमाइलो अमाइलोपेक्टिन में. एक आपने कहा ब्रांच है, अनब्रांच है. दूसरा बताया एक के अंदर 1-4 और एक के अंदर दोनों 1-4 1-6. चले मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूं.
ये बताइएगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल में किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? अमाइलोस माइलोपेक्टिन का अमाइलोपेक्टिन। अच्छा बेटा, जिस मॉलिक्यूल के ज्यादा ब्रांच होंगे उनके ज्यादा सरफेस नहीं होंगे क्या? यस Yes. देखो हर एंगल से सरफेस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जितने ज्यादा ब्रांच होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? अमाइलोस हैज कंपैरेटिवली, अब वर्ड क्या लिखोगे, कंपैरेटिवली लेस सरफेस एरिया देन अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस हैज कंपैरेटिवली लेस सरफेस एरिया देन अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन में क्या लिखेंगे? इट हैज कंपैरेटिवली more surface area than amylose. और amylose भी क्या लिखेंगे? It has comparatively less surface area than amylopectin. चले ये भी हो गया। चौथा पॉइंट मुझे बताओ, कौन सा मॉलिक्यूल आसानी से टूटेगा? हाइड्रोलाइज कौन आसानी से होगा, amylose, amylopectin? amylopectin. Reason? Water surface area greater है उसका, तो वहां पे जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है वो आसानी से टूटता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? इट इज कंपैरेटिवली, बल्कि इट इज हाइड्रोलाइज्ड मोर इजीली एस compared to amylose. सही है? अच्छा, it hydrolyzed more easily as compared to amylose. अच्छा, जो molecule आसानी से नहीं टूटता वो stable होता है या unstable होता है? Stable होता है. Stable. और जो आसानी से टूटता है? Unstable. अनस्टेबल का मतलब होता है रिएक्टिव, बेचैन, हर वक्त अनस्टेबल होता है, टूटना चाहता है या किसी से रिएक्ट करना चाह रहा है। और जो स्टेबल होता है उसका मतलब होता है इनर्ट, यानी बिल्कुल स्टेबल है, इसको रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही। तो कौन ज्यादा वो है, स्टेबल है, और कौन ज्यादा अनस्टेबल है? देख लो बेटा, क्योंकि अमाइलोस कम रिएक्टिव है ना, कहता रहा उसका सरफेस एरिया कम है तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से नहीं करेगा, टूटेगा नहीं आसानी से, तो ज्यादा स्टेबल हुआ। और अमाइलोपेक्टिन बहुत तेजी से टूटेगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। बेटा समझ रहे हो ना? Yes, पूछ रहा हूं। अच्छा आखिरी पॉइंट मुझे बताओ, अब मुझे बताओ अगर हमने इन दोनों मॉलिक्यूल को तोड़ना है, एक बार फिर बताओ कौन आसानी से टूटेगा, जल्दी बताओ। अच्छा, तो जो आसानी से टूट रहा है हमें उसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, या जो मुश्किल से टूट रहा है उसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? मुश्किल से कौन टूट रहा है? अमाइलोज। इसलिए स्टार्च के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? कहानी समझ में आ गई? इसलिए हम कहते हैं अमाइलेज, कभी हमने नहीं सुना अमाइलोपेक्टिनेज, क्योंकि अमाइलोपेक्टिनेज की जरूरत नहीं है। अमाइलोपेक्टिन इतना अनस्टेबल होता है कि वो आसानी से टूट जाता है, अगर उसको पीएच मिल जाए और टेम्परेचर नॉर्मल हो जो उसको चाहिए होते तो वो आसानी से टूटता है। लेकिन अमाइलोज ज्यादा स्टेबल होता है, उसको तोड़ने के लिए हमें लाजमी एंजाइम का सहारा लेना पड़ता है, और वो एंजाइम अमाइलेज है। इसलिए स्टार्चेस को एंजाइम नहीं होता, स्टार्च कोई कंपाउंड नहीं है, स्टार्च के अंदर जो कॉम्पोनेंट है अमाइलोज, उसको ब्रेक करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होता है, और उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। बात क्लियर हो गई? सर अमाइलोपेक्टिन मोर रिएक्टिव होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। सही है बेटा, सबको समझ आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आफाफ सर, ये वाली क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर दें, ये सब समझ आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ आ गई बेटा। अरे मेरा बच्चा, यूट्यूब की कोई जरूरत नहीं है, अगली क्लास में आऊंगा ना मैं, तो अगली क्लास में फिजिकल क्लास के अंदर इसको थोड़ा रिवाइज भी कर दूंगा, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा सब ठीक है।
वैसे अगर आपको लेक्चर चाहिए तो लेक्चर भी मिल जाएगा सर, मैं बोल लूंगा, वो दे देंगे आप लोगों को रिकॉर्डिंग। एनीथिंग एल्स बेटा? मैं जरा दूर बैठा हूँ इस वक्त, लेफ्ट हैंड साइड पे हूँ, कभी मुझे मिल्स कॉलेज जाना है, अभी क्लास है मेरी, तो मैं बस निकलने जा रहा हूँ, 1 बजे वहाँ क्लास है। ठीक है बेटा, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर। और कुछ पूछना है या कोई मैसेज आया, मैं देखूँ कौन क्या पूछ रहा है। ओके ओके नो, ठीक है मरिया, ओके बेटा, देन सी यू टुमारो, आई मीन इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।